उधर बीकानेर में हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं सुनिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के चलते डेढ़ सालों से स्कूल बंद है, क्या स्कूल खुलने का समय सही है? और कोरोना के कारण स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, डेढ़ साल से घर बैठे हैं, स्कूल का खुलने का समय सही है या नहीं है? आइए हमारे साथ कुछ लोग बात करते हैं, क्या स्कूल खुलने का समय सही है? सर अभी डेढ़ साल से स्कूल बंद है, बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। इसलिए सारे क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ कोरोना बिल्कुल ही नहीं है, बीकानेर क्षेत्र में देखे, राजस्थान क्षेत्र में देखे, कोरोना बिल्कुल समाप्त हो चुका है, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोल रही है। हरेलिया चल रही है, गवर्नमेंट के सारे काम हो रहे हैं, बाजार सारी चीज़ें खुली है, किंतु स्कूल में ही कोरोना समझा जा रहा है, ये गलत है। नहीं तो देश के अगर टाइम से नहीं खोला गया तो देश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। विशेष तौर से प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों में इस देश को बहुत अच्छे अधिकारी दिए हैं और अच्छे कर्मचारी दिए हैं, किंतु प्राइवेट स्कूलों के अंदर फीस ली जा रही है, कोरोना बंद के दौरान भी ली जा रही है, कोई 50% ले रहे हैं, कोई 60% ले रहे हैं, और बिना पढ़े बच्चों मान लो जब पैसे ले रहे हैं तो गार्जियन और स्कूल के बीच के अंदर एक दरार पैदा होती जा रही है। इसलिए मेरे गवर्नमेंट से निवेदन है कि समय से स्कूल खोल दें, अभी सही समय है, अन्यथा बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप क्या मानते हैं स्कूल खुल रही है, लोग बंद है तो भी स्कूल वाले फीस ले रहे हैं, क्या मानते हैं? स्कूल अगर देखो बच्चों को प्रमोट करना है तो जाहिर सी बात है कि फीस तो जैसे मतलब कोई दूसरे कार्य कर रहे हैं तो उनको उनका भुगतान हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल वाले भी काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी काम कर रहे हैं, टीचर्स भी बुलाए जा रहे हैं, सारा काम तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि पहले बच्चे आते थे और अब बच्चे नहीं आते हैं, तो उनको ऑनलाइन शिक्षा भी दी जा रही है और कुछ मतलब जगह अफवाहें भी उड़ाई जा रही है कि ऑनलाइन शिक्षाएँ दी जा रही है तो उससे मतलब हमें क्या फ़ायदा है। तो फ़ायदा तो देखो है, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर फ़र्क है, फ़र्क समझा जा रहा है, ऑफलाइन जैसी शिक्षा ऑनलाइन नहीं दे पाते हैं लेकिन फ़र्क है, तो इससे अच्छा है कि स्कूलें खुलनी चाहिए और समय पे खुलनी चाहिए। अब तीसरी लहर आ रही है, आप क्या मानते हैं बच्चों को पढ़ाने के समय सही है कि नहीं? एकदम सही समय है, क्योंकि देखिए दो सेशन हो गए बच्चों को प्रमोट करते हुए, तो बच्चों में एक भावना आ गई है कि पढ़ाई में क्या रखा है, या पढ़ेंगे नहीं हम तो इस बार भी प्रमोट हो जाएंगे, और अगर बच्चे ऐसे ही प्रमोट होते रहे तो वो आगे आने वाले टाइम में अपने आप की अपनी पढ़ाई को नहीं सुधार पाएंगे और उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही होगा। इसलिए ये एकदम सही समय है कि एक बार बच्चों की स्कूलों को खोल देना चाहिए। जहाँ तक है तीसरी लहर की, तो उसकी आशंका बताई जा रही है, जब आएगी तब उचित निर्णय उठाना चाहिए उस तीसरी लहर के लिए। आप क्या मानते हैं जब तीसरी लहर आ रही है फिर भी बच्चे बच्चों को स्कूल नहीं किए हैं? इस हिसाब से स्कूल खुले, अन्य कार्य हो रहे हैं उस हिसाब से तो स्कूल खुलने चाहिए।